चलेंगे जोधपुर, जहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत दीपावली को लेकर पूजा अर्चना भी कर रही हैं, दीपोत्सव मना रही हैं। राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक बार आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे और तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, जो दीपावली का त्यौहार है, खुशियों का पर्व है, पूरा देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। इस वक्त हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय कैबिनेट के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर है, जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 10 साल में जो तकदीर और तस्वीर जोधपुर की बदल करके रखी है, उसके साथ आज हम उस दीपोत्सव में हैं। अब देखिए, अपने हाथों से जो घर की दहरी होती है, वहां पर जिस तरीके से दिए खुद लगा रहे हैं, परिवार के साथ जुड़ा है, नवरत कवर के साथ में, अपने परिवार के बच्चों के साथ में, आप समझ सकते हैं कि ये संस्कृति है। और देखिए कि अगर बात दीपावली की करें, आज तो वो दिवाली है, ये दियो वाली, एक दिवाली 3 दिसंबर को मनानी है, वो लक्ष्य भी, वो पूजा में कहीं ना कहीं वो बात भी शामिल है। और आप देख सकते हैं कि पहली बार जब हम इसको इस रूप में कवर, इससे पहले राखी का त्यौहार जब हमने यहाँ कवर किया था, तब खूब सारी बहनें जो थी वो यहाँ राखी बांध रही थी। परंपराओं का जिस तरीके से निर्वहन पीढ़ियों से गजेंद्र सिंह शेखावत करते आए, और आप देख सकते हैं कि चेहरे पे जो भाव है, भक्ति के भाव है, पूजा के जो भाव है, वो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो परिवार के संस्कार है, परिवार पीढ़ियों से जो संस्कार मिले हैं, समझा जा सकता है कि किस तरीके से। और देखिए कि उनकी जोड़ाई जो है वो भी, और परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी लोग इस त्यौहार को, उनके जो पिता हैं जिनसे संस्कार गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले हैं। और देखिए कि जिस तरीके से संघ परिवार की जो भाषा, जो संस्कार, जो पीढ़ी, और लगातार जिस तरीके से, तो समझा जा सकता है कि ये जो भाव है उनको हम शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन परिवार के तमाम जो सदस्य, अब देखिए कि दूसरी तरफ की एक और तस्वीर जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि घर में सज धज कर देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं वो दिए जला रहे हैं। और केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करें, लेकिन उनके पहले पिताजी से बात कर लेते हैं। दीपावली का त्यौहार किस तरह से शुभकामनाएं देंगे, कैसा लगता है दिए जला करके खुशियां मांगी जाती है? हमारे आशीर्वाद है सबको, यही दे सकते हैं हम तो बुढ़ा आदमी, सबको आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो देखिए, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और जिस तरीके से परिवार के सदस्य हैं, बात करें कुछ है। सर, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से। किस तरीके से कहते हैं कि ये तो दीपावली राम, भगवान श्री राम वाली है, एक दीपावली 3 दिसंबर को मनाने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान अब की सौभाग्यशाली है कि 2 दिवाली एक साल में मनाएगा, और एक बहुत छोटे से अंतराल के बाद मनाएगा। आज देवताओं की दिवाली के रूप में भगवान श्री राम जब लंका विजय करके अधर्म पर धर्म की विजय करके घर लौटे थे, उस दिन उनके स्वागत के लिए अयोध्या में देशवासियों, अयोध्यावासियों ने दीप जला करके जो दिवाली मनाई थी, और आज जिस दिवाली को कि जब एक साधारण राजकुमार से साधारण लोगों की क्षमता का संवर्धन करके और भगवान के रूप में लौटे श्री राम का स्वागत देश कर रहा था, ठीक उसी तरह से साधारण लोगों की शक्ति को असाधारण बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी धर्म का शासन, जो है कानून का राज इस राजस्थान में स्थापित करने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए जो युद्ध लड़ रही है, इस राजनीतिक युद्ध में विजय श्री के पास, इसी तरह से राजस्थान के लोग दिए जला करके एक बार फिर दिवाली मनाएंगे। पद और कद कभी आड़े नहीं था, हमेशा संस्कृति, चाहे रक्षाबंधन हो, होली हो, दीपावली हो, आप परिवार के साथ और अपनी जो आपके प्रशंसक हैं कार्यकर्ताओं के साथ मनाते हैं। देखिए, जोधपुर अपना है तो संस्कृति का शहर तो है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव के साथ में काम करने वाली पार्टी है। हम सभी परिवार भाव में साथ मिलकर के हर तीज त्यौहार पर्व पर इसी उत्सव के साथ में, इस हर एक उत्सव को इसी खुशी के साथ में हम सब मिलकर के मनाते हैं, और ये परिवार भाव दृढ़ से दृढ़तर होता रहे, यही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का आधार है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके चेहरे के पूजा के भाव है, भक्ति के भाव है, समझा जा सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से स्वर्गीय लक्ष्मण राघव केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को दिखा रहे थे, और यहाँ से ये तस्वीर देखिए, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, न्यायिक राजधानी, जहाँ पर ये तस्वीरें हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब खुद गजेंद्र सिंह शेखावत अपने परिवार के सदस्यों। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।